नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरफराज। आप देख रहे हैं स्मार्ट ड्राइव। स्मार्ट ड्राइव में आज आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज बात करेंगे कि एक पैर से दो काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपने ये एक्सीलेटर और ये ब्रेक के बारे में। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ कि एक्सीलेटर और ब्रेक के बारे में, समझे आप। तो हम ये बताएंगे आपको कि आपकी गाड़ी अगर धक्के पलट हो जाती है तो आप कैसे गाड़ी को लेकर आएंगे। ठीक है, तो कहीं पर भी आप अगर फंस जाते हैं, आपकी गाड़ी धक्के पलट हो जाती है, आपका सेल्फ काम नहीं कर रहा है और बैटरी आपकी सही है, तो आप कैसे गाड़ी को लेकर आएंगे। तो ये चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आपको ध्यान से देखना है और गौर से सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले आप अपना बैटरी चेक कर लीजिए, मेरी बैटरी सही है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक का अगर कोई काम होता है तो आप गाड़ी को धक्का लगाकर वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। और कहीं पर भी आकर आप अगर गाड़ी बंद हो जाती है आपकी, तो आप परेशान होते हैं, मैं अकेले कैसे धक्का लगा पाऊंगा, मैं अकेले कैसे धक्का लगा पाऊंगा। तो इसी वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप गाड़ी को लेकर आएंगे। गाड़ी को स्टार्ट रखना है, आपको बंद नहीं रखना है। तो एक पैर से ब्रेक को भी दाबना है ऐसे, और एक्सीलेटर को भी दाबना है। देख रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्सीलेटर और ब्रेक को यूँ कैसे दाबना है। ठीक है, ये देख रहे हैं एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है। तो मैं एक्सीलेटर और ब्रेक को दोनों साथ में दबाना है, क्योंकि आपकी गाड़ी इससे बंद नहीं हो पाएगी। अगर आप गाड़ी रोकते हैं तो आपकी गाड़ी बंद होने का चांस रहता है, बहुत ज़्यादा ही होता है कि गाड़ी नहीं बंद हो पाती है। मगर क्योंकि एक्सीलेटर जो होता है वो रेस थोड़ी कम होती है, गाड़ी को आप जैसे ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक लगाने के बाद जैसे ही बढ़ाएंगे वैसे ही आपकी गाड़ी बंद हो जाती है। जब गाड़ी बंद हो जाती है तो आप परेशान होते हैं कि मेरी गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी, धक्का लगाने वाला यहाँ पर कोई है नहीं, मैं अकेले फंसा हुआ हूँ। तो इसी के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं इसी के लिए आपके लिए एक वीडियो बना के लेकर आ रहा हूँ, आप इसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि एक पैर से कैसे दोनों चीज़ को दाबना है। स्टार्ट करते हैं गाड़ी को और आपको दिखाते हैं कि गाड़ी मेरी बंद भी नहीं होगी और ब्रेक भी लगेगा और एक्सीलेटर भी दबे। एक्सीलेटर दबाने का मकसद मेरा ये है, क्योंकि अगर हम गाड़ी को रोकते हैं तो हल्का रेस लेना पड़ेगा, क्योंकि हल्का अगर रेस नहीं लेंगे तो गाड़ी मेरी बंद भी हो सकती है, वहाँ पर कोई धक्का लगाने वाला होगा नहीं, गाड़ी आप कैसे स्टार्ट करेंगे। तो मैं इसी वजह से आपको बता रहा हूँ कि आप कहीं भी फंस सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, देखिए मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है, गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैं बताने जा रहा हूँ कि आप यूं पैर ऐसे रखना है, ठीक है, और गाड़ी स्टार्ट बढ़ाते हैं हम। ये पहले एक्सीलेटर को दबाकर आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद हम बताएंगे आपको अगर गाड़ी रोकना है तो गाड़ी को कैसे आप रोकेंगे। ये देखिए, ये मैंने पैर लाया ब्रेक पे, ये ब्रेक मारी, ये एक्सीलेटर दबाया, देखा आपने रेस की आवाज़ आई। तो चलिए बताते हैं हम गाड़ी को कैसे रोकना है, एक साथ कैसे दबाना है, ये चीज़ आपको देखना है। ये देखिए, गाड़ी को अगर रोकना है यूँ एक्सीलेटर हल्के हल्के में लिए रहना है, क्योंकि इससे मेरी गाड़ी बंद नहीं होगी। ये देखिए हल्का रेस है, ठीक है, नॉर्मल आपको रेस को दबा कर रखना है। इससे क्या होगा, आपकी गाड़ी अगर कहीं पे आप ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी आपकी बंद नहीं होगी। अब ऐसे हटा देते हैं पैर, यूँ ब्रेक दबाते हैं तो एक चांस रहता है आपकी गाड़ी बंद होने का, तो ये गाड़ी बंद नहीं होगी। तो हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं पैर आपको यूँ रखना है, ठीक है, ये पैर आपको ऐसे रखना है। हम इस गाड़ी को बढ़ाते हैं, फिर से आपको दिखा देते हैं एक बार, और ब्रेक लगाना है तो आपको यूँ एक्सीलेटर दबाना है, ठीक है, यूँ ऐसे दबाना है, पैर मेरा बिल्कुल ऐसे टेढ़ा टेढ़ा रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा स्ट्रेट स्ट्रेट यूँ, क्योंकि ये ऐसे आप करते हैं, यूँ एक्सीलेटर को दबाते हैं, देखें एक्सीलेटर आप देख रहे हैं दब रहा है। तो इसी तरह आपको करना है। तो पसंद आई है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और कोई भी सवाल आपके मन में अगर गूंज रहा हो
तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका क्वेश्चन का जवाब आपको जरूर दूंगा। फिर मिलेंगे इसी तरह न्यू वीडियो के साथ। नमस्कार।